सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे थे मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करने के लिए, तो उनका जन्मदिन आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो मेरे साथ साथ आप लोग को भी दिखाती कि मैं क्या क्या लिया मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पर कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ रखा था इंडिपेंडेंस डे का। और हम जहाँ जाते हैं वो है उजाला भवन, जहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको भगवान के रिलेटेड, सारी ए टू जेड। मतलब आपको हर अलग अलग दुकान में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत सालों से यहीं पर ही आके शॉपिंग करते हैं, खासकर हम जब कुछ भी मंदिर का सामान लेना होता है तो यहाँ पर फुल पैकेज पे सब चीज़ें मिलती हैं। आप खुद देख रहे होंगे, अंदाज़ा लगा ही लिया होगा यहाँ पर, यहाँ तक कि यहाँ पर मूर्ति वगैरह भी मिलती है और बहुत ही प्राइस भी इनका बहुत अच्छा है, रेंज है बहुत सही है। तो यहाँ पर हम आ गए थे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है तो उनके लिए बनता ही है, और सारा सिंगार का चीज़ लेने के लिए आ गए थे। तो ये दीदी है जो मेरे को दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सबको चाहिए था। आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो सबसे पहले ना हम लोगों ने उनकी ड्रेस देखना स्टार्ट करी, और इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेस आप देख रहे हो आप, आए हाय कितने क्यूट क्यूट, इतने प्यारे प्यारे। इसके जो स्टोन के वर्क्स हैं ना, वो बहुत अच्छा लग रहे थे मुझे, आप खुद देख लो कितने क्यूट लग रहे हैं। ये येलो वाला देख रहे हो, और ये वाला वाओ वाओ वाओ। तो हम लोगों ने बोले कि हमें ना एक घंटा लग गया था उनकी शॉपिंग करने के लिए। हम उनके एकदम वैसे परिवार के जैसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज जैसे हमारे घर में किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम लोग कितना एक्साइटेड होते हैं, शॉपिंग करते हैं उनके लिए। तो हम लोग उनके लिए भी बहुत अच्छे से सुंदर, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी, वैसे तो वो है ही बहुत सुंदर, बट उनकी कोई मतलब होता है ना, वो जो ये जो ड्रेस है ना वो अधूरी है उनके बिना। मतलब वो पहनेंगे ना तो चार चांद लगा देते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देख रहे हो भीड़ कितनी है पीछे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब आप एक अच्छी चीज़ ऊपर रख रहे हो तो वो चोरी हो जा रही है, चोरी मतलब कि कोई और ही ले जा रहा है, आप सेलेक्ट कर रहे हो कोई और ही ले जा रहा है। तो यहाँ पर हमने पगड़ी भी सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको फाइनल जो हमने जो लिया है वो मैं ना आपको जन्मदिन के दिन ही दिखाऊँगी, क्योंकि ये सरप्राइज़ मैं नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो पगड़ी भी है, हर साइज़ की पगड़ी मिल जाएगी आपको, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा। और यहाँ पर उनके खिलौने भी हैं, आपको पता है कि खिलौने भी है लड्डू गोपाल जी के लिए, वहाँ पर खिलौने भी रखे हुए थे। ये उनके लिए बैडमिंटन एंड काइट और छतरी भी थी जो मुझे बहुत यूनिक लगी उनके लिए। और ये जितने भी खिलौने यहाँ पर मटकी वगैरह भी थी, और ये शूज़, उनकी जूती कितनी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, लेने का मन कर रहा था उनके लिए चप्पलें वगैरह। और ये उनके खिलौने हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर माला देखने के लिए हम आए थे, तो ये छोटी छोटी मालाएं लगी हुई थी आपके, मतलब कि ना यहाँ पर आपको खुद से करना पड़ता है कि आपको जैसी ड्रेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही देखना पड़ेगा। हाँ, ये इनका ये है कि आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी मेरे पे कैसा लगेगा मोरपंख, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई हमें दिखा दे, क्योंकि हम थक चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत वो हो गया था, सब लोगों ने यहाँ वहाँ कर दिया था। उसके बाद हमारी बारी आ गई थी उनके लिए पायल लेने के लिए और चूड़ी लेने के लिए। तो हम उनकी सारी सिंगार का चीज़ लेने वाले हैं, हम लोग ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि जो हम उनके लिए ऐसा हो कि नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मैं उनके लिए चूड़ियाँ देख रही थी, जो ड्रेस ली थी उसके अकॉर्डिंग देख रही थी मैं। उसके बाद यहाँ पर ये छोटी छोटी पायलें भी हैं, छन 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 आवाज़ भी आती है उसमें से। तो उसके बाद हमारी बांसुरी, बांसुरी तो उनकी खास है, मतलब उसके बिना अधूरे हैं भाई कृष्णा जी। बांसुरी तो इतनी प्यारी प्यारी बांसुरी थी, बट हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने कृष्णा के अकॉर्डिंग ही देखनी थी, छोटी सी बांसुरी, ज़्यादा बड़ी नहीं देखनी थी। बांसुरी लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा कि कैसे इन लोगों ने इतना प्यारा सा डेकोरेशन कर रखा है। ये एक डेमो है जिसमें आप कैसे सजा रहे हो, उनका आसन वगैरह सब एक आइडिया भी मिल जाता है। और ऊपर भी देखो कितने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी है। उसके बाद में शानवी की, मैंने सोचा कि शानवी को भी क्यों ना कृष्णा बनाया जाए या राधा बनाया जाए, दोनों में से मैं देख रही थी जो ड्रेस उस पर ज़्यादा अच्छी लगेगी वही मैं लूँगी। पर फाइनल मैं वहाँ जन्माष्टमी के दिन ही बताऊँगी कि हमने शानवी को क्या बनाया। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं इसको राधा बनाऊँ कि कृष्णा बनाऊँ। वैसे मेरा ज़्यादा मन है राधा बनाने का, पर लेट्स सी क्या बनती है। आप ज़रूर बताना कि क्या बनाऊँ मैं, इसको ज़रूर कमेंट करके बताना। तो हमने सारी चीज़ ले ली थी लड्डू गोपाल जी को, जो जो चाहिए था सारी ए टू जेड, पर मैं आपको अभी रिवील नहीं कर सकती, मैं आपको उसी दिन रिवील करूँगी, मेरे लड्डू गोपाल जी को दिखाऊँगी जब। तो ये देख लो एक लुक राधा जी का, ये राधा जी की ड्रेस थी, और ये है कृष्णा जी का ड्रेस है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट आप लोग ज़रूर बताना कि मेरे को राधा बनाना चाहिए कि कृष्णा बनाना चाहिए। ये टॉप है कृष्णा जी का, नीचे धोती है,
और दैट्स इट, इतना ही। हम लोगों ने बहुत सारे, फिर बाद में यहाँ पर शानवी हनुमान जी के साथ भी थोड़ी बहुत खेलने लगी थी। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ए टू जेड, तो हम लोगों ने फाइनली सारी चीज़ ले ली थी लड्डू गोपाल जी के लिए जो जो चाहिए था। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।